में किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बीतता है और सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने काम हमें किचन में करने होते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, डिनर बनाना और न जाने क्या क्या। और किचन का काम करते हुए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ छोटे छोटे टिप्स और हैक्स जो आपकी किचन में काम करते वक्त थोड़ी सी हेल्प करेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड, ब्रेड का नाश्ता किसको नहीं पसंद है। जब ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं तो उसके साथ ही एक छोटा सा पिन जैसा मिलता है जिससे ब्रेड के पैकेट को सिक्योर किया जाता है, लेकिन आप इसका क्या करते हैं। मैं तो इसको संभाल के रख लेती हूँ और ब्रेड जब पूरी यूज़ नहीं होती है, थोड़ी बहुत बच जाती है, तो इस तरह से इसके पैकेट को फोल्ड करके इसको ऊपर को चढ़ा के रख देती हूँ, तो ब्रेड जो होती है काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे मैं जो ये ब्रेड के साथ जो छोटी सी पिन मिलती है उसका मैं क्या करती हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए मेरी किचन की अंदर बाहर की साइड पर ये दिवाली पर हमने लाइट लगाई थी, LED लाइट। फेस्टिवल डेज़ में तो हम इस लाइट का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज़ में हम इसको नहीं जलाते हैं। और यहाँ पर जो स्विच बोर्ड आप सामने देख रहे हैं, इसके अंदर दो ही प्लग हैं, तो इसको हम यूज़ नहीं कर पाते। तो इसका ये जो तार था ये पूरा फैला रहता था किचन में, जो मुझे काम करते वक्त बहुत डिस्टर्ब करता था। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड करके उसी वाले ब्रेड के पैकेट के साथ जो छोटी सी पिन मिली थी उसी से मैंने इसको सिक्योर कर दिया है और अच्छी तरह से ये अब ऑर्गेनाइज हो गया। काम में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा है और हमारा जो LED का तार है वो भी जब हम चाहें जब मर्जी उसे खोलकर यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरह जो रबर बैंड आते हैं हमारे घर में ग्रॉसरी के पैकेट के साथ, जब भी कुछ भी मार्केट से लेके आते हैं तो उसके ऊपर रबर बैंड लगा हुआ ही होता है, तो उनको भी मैं इस तरह से संभाल के रख लेती हूँ। और यहाँ पे जब भी मिक्सी चलाती थी तो इसका तार पूरे काउंटर टॉप पर फैल जाता था, जो बिल्कुल चीज़ें जिससे अनऑर्गेनाइज लगती थी, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा बांध के रख देती हूँ और जब मुझे मिक्सी चलानी होती है तो पूरा तार काउंटर टॉप पर नहीं फैलता। तो फ्रेंड्स, ये वाले टिप आपको पसंद आए होंगे, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। यहाँ पर जो आपको ये छोटे छोटे कंटेनर दिखाई दे रहे हैं स्पाइसेस के, तो इनके ऊपर मैंने लेबल किया हुआ है और यहाँ पर मैंने लेबल कर चुकी थी ऑलरेडी। और लेबल यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ उन्हीं पैकेट्स का जिसमें कि ग्रॉसरी आती है, तो बस उनको सिंपली कट कर लेती हूँ और इनको चिपका देती हूँ टेप की हेल्प से, और मुझे किसी भी मार्केट से महंगे लेबल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए मैंने यहाँ पे पास्ता फिल कर दिया है इस ग्लास जार के अंदर। वैसे तो चीज़ें जब ट्रांसपेरेंट होती हैं तो विजिबल होती हैं, लेकिन जब किचन में कई लोग काम करने वाले होते हैं और अगर आपका जार से विजिबल ना हो, मतलब ट्रांसपेरेंट ना हो, तो चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से लेबल कर सकते हैं अपने कंटेनर्स को और ग्रॉसरी को, जिससे कि आपको कभी भी ग्रॉसरी ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा पास्ता बच गया था तो मैं इसको रबर बैंड लगा रही थी और ये देखिए टूट गया है रबर बैंड, काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो टिप्स तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे किचन में काम करते करते काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें इस तरह की फेस करनी ही पड़ती है। इन जो स्मार्ट गृहिणी हैं वो ऐसी प्रॉब्लम से कभी भी घबराती नहीं है। कुछ छोटे छोटे और ईजी से हैक्स फॉलो करके हम अपनी हर प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है टेप और सिक्योर कर दूँगी इस ग्रॉसरी को जो भी मेरी बची हुई है। वैसे तो आप जो भी इस तरह की ग्रॉसरी बचे उसको आप पहले यूज़ करें और कंटेनर की बाद में, लेकिन मुझे यहाँ पे आपके साथ ये वाला हैक शेयर करना था। तो इस तरह से अगर आपकी ज़्यादा ग्रॉसरी भी बचती है तो आप टेप से उसे सिक्योर करके रख सकते हैं या फिर स्टैपल भी कर सकते हैं, या फिर उस पैकेट को जिसमें ग्रॉसरी बची है आप उसे गैस के पास ले जाकर थोड़ा थोड़ी हीट लगाइए तो वो आपका पैकेट जो सील हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो पास्ता फिल किया था अब इसी से मैंने लेबल बना लिया है, कट कर लिया है, और यहाँ पर जो ये मेरी सीज़र है बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, तो इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। फिलहाल अपना जो लेबल है वो लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे मैं लेबल लगा रही हूँ पास्ता का, वो कंटेनर की साइड पर लगा रही हूँ। और हमेशा लेबल उसी साइड पर लगाइए जो आपकी कंटेनर की साइड विजिबल हो, तो जब मैं इनको शेल्फ में रखूँगी तो ये इसका जो लेबल है बिल्कुल मुझे सामने दिखाई देगा। और जो आपको सामने लाल मिर्च और धनिया वाला जो कंटेनर देख रहे हैं उनको ऊपर मैंने ढक्कन के ऊपर लगाया है क्योंकि मैं उन्हें ड्रॉर में रखती हूँ। तो लेबल लगाते वक्त इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, सीजर और टेप ऐसी चीज़ है जो किचन में आपके ज़रूर होना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन कभी कभी काम करते वक्त क्या होता है जो ये टेप है वो बिल्कुल खो जाती है। तो आपको इसको जब भी आप इसमें काम करें तो आप इसमें या तो कोई पेन लगा के रखें या फिर इस तरह से मोड़ के इसको नीचे की तरफ चिपका दें, जब आप इसे नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आप इसे ईजिली ओपन कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट टिप क्या है। जो सीज़र होती है हमारी किचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है,
जब सुबह सुबह वह बच्चों का टिफ़िन पैक करते हैं या हस्बैंड का टिफ़िन पैक करते हैं, जो रोटी रैप है वो कट कर करते होंगे, और या फिर जब भी ग्रॉसरी फिल करनी होती होगी तो सीज़र का यूज़ करते ही होंगे। लेकिन आपने देखा कि जो मेरी सीज़र थी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, तो चलिए इसको शार्प कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं मेडिसिन के खाली रैपर, जो दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं इसके अंदर, तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इनको फेंकने से पहले एक बार अपनी सीज़र को ज़रूर से शार्प कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो रैपर हैं वो कट किए, तो मेरी सीज़र थोड़ी सी शार्प हो गई थी, लेकिन जो इसका आगे वाला टिप वाला पार्ट था वो नहीं शार्प हो रहा था। तो फिर मैंने बहुत सारे और मेडिसिन के जो रैपर पड़े थे घर में, वो मैंने बहुत सारे काट डाले। तो देखिए थोड़ी सी अब ये काम कर रही है सीज़र, और काफ़ी अच्छा है कि ये आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने किचन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगा के जो मेरी सीज़र है वो काम करने लगी। तो इस तरह से छोटे छोटे ईजी से टिप फॉलो करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रोटी रैप मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, कितना आसानी से कट रहा है और कितना स्मूथ कट रहा है। तो मेरी सीज़र अब यहाँ पर नई हो गई है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी आप रिफाइंड खाली करते होंगे तो थोड़ा सा रिफाइंड उस पैकेट में बच जाता है, इस तरह से लटका कर आप रख दीजिए, बूंद बूंद रिफाइंड करके आपका सारा पैकेट खाली हो जाएगा और आपकी वेस्टेज होने से बच जाएगी। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो मेहनत से कमाए हुए पैसों को क्यों वेस्ट करना है। थोड़ा सा हैक अपनाइए और काफ़ी सारी बचत कीजिए। आई होप फ्रेंड ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना मुझे मोटिवेट करने के लिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप ये है, इस तरह की सरसों की बॉटल तो आपके घर में जरूर आती होगी, क्योंकि सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ DIY, ये आपके साथ शेयर किया था क्रिसमस पर, क्रिसमस बेल बनाई थी तो ऐसे ही रखा था। सरसों की बॉटल का ऊपर वाला पार्ट है, आप इसके येलो ढक्कन को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सारे DIY होम ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस मिलेंगी, तो प्लीज़ सारी वीडियो देखा करें। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये जो बॉटल है देखिए, यहाँ पे मैंने इसी तरह से लेबल किया, जो अभी मैंने आपको लेबल का हैक आपके साथ शेयर किया था। पहले इसमें चाट मसाला फिल किया हुआ था, लेकिन फिलहाल मेरे घर में चाट मसाला नहीं है। इस तरह की बॉटल को आप डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। इसका लेबल मैंने हटा दिया है, इसके अंदर फिल कर दिया है मैंने पाव भाजी मसाला, लेकिन जब भी इस तरह से मसाला कोई फिल करते हैं तो वो गिर जाता है काउंटर टॉप पर और हमारा जो मसाला है वो बिखर जाता है। तो इस तरह से वेस्टेज से बचाने के लिए मैं यहाँ पे ये जो यूज़ कर रही हूँ, जो बॉटल की ऊपर वाला जो पार्ट है जिससे मैंने बेल बनाया था, तो इसको एज अ फेनल यूज़ कर रही हूँ। तो जब से मैंने ये वाला हैक शुरू किया है यूज़ करना, तो मेरे घर में फेनल आना यानी कि जो कीप होती है वो आनी बंद हो गई है। और कई बार आपकी घर में कीप हो जाती है तो आप इस तरह से आप फनल बना सकते हैं, कीप बना सकते हैं और ग्रॉसरी फिल कर सकते हैं ईजिली उन बॉटल्स के अंदर जिनके मुँह बहुत छोटे होते हैं। वो जो लेबल पहले लगा हुआ था चाट मसाला वाला वो हटा के रख दिया है, टेप इजीली रिमूव हो जाती है और सेम उसी तरह लग भी जाती है। और इसको दोबारा से लेबल कर दिया है उसी पैकेट के अंदर जिसके अंदर पाव भाजी आई थी, तो काफ़ी सारा स्पेस क्रिएट करते हैं ये वाले पैकेट और वो इधर उधर गिरते भी रहते हैं। जैसे ही ड्रॉर में आप उन्हें रखते हैं तो वो गिर जाते हैं और काफ़ी सारा आपका जो भी इंग्रेडिएंट होता है डब्बों के अंदर वो वेस्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो ये कीप यूज़ कर रही हूँ, इसकी बाहर वाली साइड पे पेंट किया था, अंदर वाली साइड पे नहीं किया था। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी इस तरह की यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।